Hey guys, what up everybody? It's your boy Danish zehen, back at it again with new video. Okay, so guys, हम लोगों ने बहुत सी हेयरस्टाइल की वीडियो करी, हमने बहुत अलग-अलग तरीके की वीडियो करी है, but आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ पांच सबसे कॉमन मिस्टेक जो हेयरस्टाइल के अंदर बहुत से लड़के करते हैं. So guys, अगर तुम लोग अपने हेयर को हेल्दी रखना है एंड प्रॉपरली मेंटेन करना है तो तुम लोग ये टिप्स फॉलो करो. ये पांच आसान सी टिप्स है. So guys, टिप नंबर वन, अपने बालों को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना. मैंने अपनी पहले वीडियो में कहा था हमें वीक में दो से तीन बार हेयर वॉश करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीक में दो से तीन बार शैम्पू कंडीशनर, उससे ज्यादा नहीं. अगर हम रोज शैम्पू कंडीशनर करेंगे तो हमारे बालों में वैसा वॉल्यूम नहीं आएगा, वैसा वॉल्यूम हमें चाहिए. ओके, सो गाइस, बहुत से लोग शैम्पू कंडीशनर करने के टाइम अपने बालों के साथ बहुत ज्यादा लड़ लेते हैं. आई मीन ऐसा. तो गाइस, उन्हें अपने बालों के साथ इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए. सो हमें बहुत ध्यान से उसे वॉश करना चाहिए एंड वीक में ज्यादा से ज्यादा दो से तीन बार शैम्पू कंडीशनर करना चाहिए. हमारे हेयर बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, वॉश करने के टाइम हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए. मुझे बहुत से मैसेज आते हैं इस चीज को लेकर कि उनके हेयर लॉस हो रहे हैं. जब तुम हेयर वॉश करते हो एंड जब तुम अपने हाथों में पांच से दस हेयर धोगे ना, पांच से दस बार, तो वो एक नॉर्मल है. एंड एक चीज और, टॉवल ड्राई. जब तुम टॉवल से अपने बाल ड्राई करते हो तो उसे बहुत आराम से तुम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द रहता है. जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तुम लोग बहुत ध्यान से उसे आराम से वो करना एंड देन उस पर तुम लोग हेयर ड्राई कर सकते हो. बहुत लोग हेयर ड्राई के टाइम पर बहुत सी मिस्टेक करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा क्लोज से हेयर ड्राई करते हैं, तुम लोग उसे भी ध्यान रखेंगे. सो आज का हमारा पहला टिप था, हम बढ़ेंगे दूसरे टिप की तरफ. सो गाइस, आज का हमारा जो दूसरा टिप है वो ये है, वैसे हेयर स्टाइल रखना जो हमारे फेस पर बिल्कुल भी सूट ना हो. सो गाइस, सबके फेस कट अलग होते हैं, किसी का ओवल, किसी का ट्राइंगल, किसी का लंबा, किसी का चौड़ा, किसी का ओवल या गोल, ऐसा बड़ा सा मुंह होगा, साथ में एक बार रखिए तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा उसके फेस के ऊपर. डूड, हर किसी के फेस कट के ऊपर अलग हेयर स्टाइल सूट होता है. सो गाइस, हर किसी के फेस के ऊपर कोई अलग हेयर स्टाइल सूट होता है. तुम किसी अच्छे बार्बर के पास जाओ यानी उससे पूछो तुम्हारे फेस के ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सूट होगा, वो तुम्हें अपना सजेस्ट करेगा कि तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल रखना चाहिए कौन सा नहीं. जैसे कि मैंने कहा, हर किसी का फेस कट बिल्कुल भी अलग होता है एंड हर किसी के फेस कट के ऊपर अलग हेयर स्टाइल सूट होता है. ऐसा नहीं कि तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर हेयर स्टाइल सूट होता है तो तुम्हारे ऊपर भी होगा. अगर दोनों का फेस कट सेम है तो होगा, बट दोनों का फेस कट अलग है तो नहीं होगा. सो वही, तो ये चीज़ तुम लोग ध्यान में रखो, बिकॉज बहुत लोग इस चीज़ को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसके बाद अच्छे दिख रहे तो वो मेरे ऊपर भी अच्छे दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि वो ऐसे तुम्हें बिल्कुल भी रखनी है तुम्हारे फेस पे नहीं सूट होगी. सो गाइस, तुम लोग सेकंड वाले पॉइंट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से भी डालो, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है. वो हेयर स्टाइल मत रखो जो तुम्हारे फेस पे नहीं सूट हो रही है. सो वही, ओके. सो गाइस, आज का हमारा तीसरा टिप, हीट प्रोटेक्टेंट. तो गाइस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत लोग बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करते हैं नज़दीक से एंड वो लोग रोज ब्लो ड्राई करते हैं अपने हेयर को एंड वो लोग हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करते. गाइस, हीट प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर तुम लोग रोज अपने बालों को ब्लो ड्राई, या तुम लोग वीक में पांच बार अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हो, हीट प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है. तुम्हारे जो एंड्स हैं ये जलने लगेंगे. जहाँ तक मुझे पता है, इंडिया में तुम्हें ट्रेसेमे का हीट प्रोटेक्टर मिलेगा, तुम्हें जाकर कहीं पूछ सकते हो. और भी बहुत कंपनीज के हीट प्रोटेक्टर आते हैं, जो एक स्प्रे होता है जो हेयर वॉश करने के बाद तुम लोग हेयर ड्राई कर लेते हो, उसके बाद हल्का सा हेयर ड्राई करने के बाद टॉवल ड्राई करने के बाद तुम लोग वो मारना एंड अगर तुम लोग ब्लो ड्राई करोगे तो हीट का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे बालों के ऊपर. वो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे एंड बिल्कुल भी सेफ रहेंगे. तो हीट प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है. तुम लोग किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर में जाओ एंड तुम वहाँ से बाय कर सकते हो हीट प्रोटेक्टर. एंड जहाँ तक मैं सजेस्ट करूँगा, तुम लोग ट्रेसेमे का एक हीट प्रोटेक्टर आता है, तुम वो बाय कर सकते हो. सो भाई, सो ये था हमारा आज का तीसरा टिप. और आज का चौथा टिप है, ओके, सो भाई, आज की हमारी चौथी टिप है वो है अप्लाइंग टू मच प्रोडक्ट. तो भाई, बहुत से लड़के होते हैं जो अपने बालों के अंदर बहुत सी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं. शैम्पू कंडीशनर करने के बाद वो लोग अपने बालों के अंदर वैक्स यूज़ करते हैं, वैक्स के ऊपर स्प्रे यूज़ करते हैं, स्प्रे के ऊपर पॉलिंग पाउडर यूज़ करते हैं, पॉलिंग पाउडर के ऊपर फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करते हैं. सो भाई, ऐसा नहीं होता. मेरे हेयर को देखो, मेरे हेयर के अंदर प्रोडक्ट है, बट मेरे हेयर मैं कितनी बार अपने बालों के अंदर हाथ घुमा सकता हूँ. मेरे बालों के अंदर ये प्रोडक्ट है. कुछ लड़के अपने बालों के अंदर इतने प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं कि उनके बालों के अंदर से हाथ धोल तो अटक जाता है. अननेसेसरी अपने बालों को खराब मत करो, मतलब इतना प्रोडक्ट यूज कुछ मतलब नहीं है. तुम नॉर्मल सी वैक्स यूज करो, स्प्रे यूज करो, सीरम यूज करो, तुम सीरम यूज करो, वैक्स यूज करो. इतना पैसे वेस्ट करके और फालतू प्रोडक्ट यूज करके बिल्कुल भी मतलब नहीं है. सो गाइस, मैं तो ये बोलूंगा, वीक में दो से तीन बार वॉश करो, फालतू प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना यूज करो एंड फालतू खर्चों से बचो. आई मीन, देने वाला तुमको कुछ भी बोल के देगा, हाँ ये यूज कर, ये यूज कर भाई, ये यूज कर, ये यूज कर, बट वो चीज़ जब नीड में ही है तो तुम क्यों यूज करके अपने बालों को और डैमेज कर रहे हो. तो भाई, डैमेज से बिल्कुल ही बचो, बिकॉज ये जाएंगे तो आएंगे नहीं. सो भाई, तो ध्यान दो ये सब चीज़ों में, मत फालतू प्रोडक्ट यूज करो एंड इसे किससे बचो. सो भाई, ये हमारा चौथा टिप था. सो भाई, आज का जो हमारा पांचवा टिप है वो है चीप प्रोडक्ट से बचो. सो भाई, तुम लोग 50-100 rupees पे ले कोई ऐसे प्रोडक्ट की तरफ मत जाओ जिसका लेकर कुछ मतलब नहीं है, तुम लोग बालों को डैमेज करेगा. कोई ऐसे अजीब से वैक्स मत लो. एक वीडियो मैं इसके ऊपर करूंगा, वर्स्ट प्रोडक्ट और बेस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स और वर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद के बाद वाला वीडियो रहेगा, बिकॉज मुझे सारे प्रोडक्ट जमा करने पड़ेंगे. तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट बहुत अजीब है एंड कौन से अच्छे, आई मीन सेम प्राइस लेवल. सो भाई, लास्ट में लोगों में यही चीज़ बोलूंगा, तुम अपने पैसे ना वेस्ट करो. तीन चीज लगेगा, एक चीज लो बट अच्छी चीज लो. तुम लोग फालतू चीजें बिल्कुल भी ना यूज करो. आई मीन, तुम लोग सस्ता वाला स्प्रे ले रहे हो,
एक सीरम ले रहे हो, एक वैक्स ले रहे हो, एक जेल ले रहे हो, तो उसके लिए तुम लोग एक ही वैक्स लोगे अच्छी कंपनी का और वो अपने बालों में यूज करो, वो से अच्छा रिजल्ट लेगा तुम लोगों को। सो गाइस अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते तो जाओ जाकर फॉलो करो, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम दिया हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, पहला लिंक है मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर सकते हो बिकॉज नेक्स्ट क्यू एंड ए वीडियो के अंदर मैं अपने इंस्टाग्राम से क्वेश्चन उठाऊँ। सो वही सो गाइस ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था, आई होप तुम लोग को देखने मजा आएगा। सो वही सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टू स्टे सेक्सी बेबी। सो गाइस ऐसा नहीं होता अपने बालों के अंदर, ऐसा भी नहीं होता। सो गाइस ऐसा भी नहीं।